हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सरकारी स्कूल की तरफ बच्चों को आकर्षित करने के लिए विद्यालय में बनाई अनेकों पेंटिंग। कोरोना काल में शारीरिक शिक्षण ने की मिसाल पेश। अगर मन में कुछ करने की भावना हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देते हैं। वैसा ही कार्य उपखंड के बांकली गांव में इस कोरोना काल में एक शारीरिक शिक्षक ने कर दिखाया, जिसमें अतिरिक्त समय मिलने पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के शारीरिक शिक्षक गजेंद्र सिंह रनावत द्वारा पूरे विद्यालय को अलग अलग पेंटिंग सहित बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरित करने के लिए हर रोज समय निकालकर कुछ न कुछ अलग अलग आकर्षक पेंटिंग कार्टून बनाए, जिसको पूरे विद्यालय की दीवार पर अलग अलग पेंटिंग कार्टून विश्व व देश के मानचित्र सहित जोधपुर संभाग के सबसे बड़े जल स्रोत जवाई बांध को भी दीवार पर दर्शाया गया। तो वही वर्तमान में एक कमरे को पूरी तरह से अलग ही रंग रोगन व पेंटिंग से अलग ही एक रूप दिया जा रहा है, जिसमें बच्चे पेंटिंग व कार्टूनों के माध्यम से बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे प्रेरित हो सके, वो कुछ पढ़ लिख सके। इस भावना से शिक्षक रनावत ने विद्यालय को नया रूप दे रहे हैं। वही विद्यालय में पूरे ग्राउंड में वृक्षारोपण सहित विभिन्न प्रकार के बच्चों को खेल खेल में उन्हें मार्गदर्शन मिले, उसके लिए भी हर समय तत्पर रहते हैं। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए शारीरिक शिक्षक गजेंद्र सिंह रनावत, इन्होंने ये कहा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांकली में कोरोना काल में कोरोना ड्यूटी के अलावा जो समय बचा है उसमें बच्चों को राजकीय विद्यालय में जोड़ने के लिए और उनको विद्यालय की तरफ आकर्षित करने के लिए जो फर्स्ट कमर जो स्टूडेंट है उनको विद्यालय में रुचि जताने के लिए कई प्रकार की चित्रकारी की गई विद्यालय में, जिससे बच्चों का आकर्षण बढ़े और ज्ञान बढ़े और समय समय पे जो समय मिलता है उसके बच्चों के जो सृजनात्मक एक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए ये चित्रकारी की जाती है। चित्रकारी है, वृक्षारोपण है, जो विद्यालय का ऑल ओवर जो वातावरण है उसको अच्छा बनाने के लिए सभी प्रयासरत हैं हम, जिसमें सभी शिक्षक और अपनी योग्यता के अनुसार हम अपना समय दे करके विद्यालय को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करते हैं। जागरूक टीवी के लिए सुमेरपुर से तरुण रावल की रिपोर्ट।